तो कैसी है मेरी ऑनलाइन फैमिली और सिनेमाइज़, तो आज आप सबका स्वागत है हाउस एट मूवी के एक और नए एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको और बता दूं कि हाउस एट मूवी के एपिसोड्स में हम बात करते हैं मूवीज के बारे में, और मैं आपको बताता हूं कि मेरी क्या फीलिंग्स है उस मूवी के बारे में, उस मूवी की कौन सी चीज़ें मुझे पसंद है, कौन सी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि वो मूवी आपको देखनी है या नहीं। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हैलोवीन 1978 के बारे में। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूं तो हैलोवीन फ्रेंचाइज एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और एक कल्ट क्लासिक फ्रेंचाइज में से गिनी जाती है। हैलोवीन फ्रेंचाइज एक हॉरर स्लैशर थ्रिलर मूवी फ्रेंचाइज है और इसे अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। अब बात करें इस मूवी की, तो मूवी रिलीज हुई थी 1978 में और मूवी को डायरेक्ट करा था जॉन कारपेंटर ने। मूवी की रेटिंग्स की बात करें तो मूवी को IMDb में मिले थे 7.8 out of 10 और मूवी की रॉटन टमाटोज पे रेटिंग्स है 96% फ्रेश, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात करें उन चीज़ों की जो कि मुझे इस मूवी के बारे में पसंद है, तो उसमें नंबर 1 पे आती है इसका कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है और बॉलीवुड में हमने आज तक इस कॉन्सेप्ट पे कुछ भी बनता हुआ नहीं देखा। अगला पॉइंट आता है इस मूवी का थ्रिल। ये एक हॉरर थ्रिलर स्लैशर मूवी है तो इसके अंदर हॉरर और थ्रिल तो होना ही चाहिए, और वो इसके अंदर भरपूर है। अगला पॉइंट आता है इसकी लेंथ। इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ये सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है, तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लंबी मूवीज़ देखना पसंद नहीं है तो ये मूवी आप ही के लिए बनी है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर। इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही आइकॉनिक है और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है। इस मूवी के विजुअल्स और इसका बैकग्राउंड स्कोर मिला के जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि इस मूवी की जो स्टार्टिंग है, इस मूवी की जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है ग्रेट कैरेक्टर्स। इस मूवी का जो मेन विलन है वो एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर लिखा गया है। जो मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने ही इस मूवी को लिखा है और उन्होंने जो कैरेक्टर बनाया है ये बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मेमोरेबल कैरेक्टर है। आप अगर ये मूवी देखेंगे तो चाहे कुछ हो ना हो, अगर आपको मूवी पसंद आए ना आए या आप आगे इसकी फ्रेंचाइज की मूवी देखें ना देखें, लेकिन ये कैरेक्टर आपके जहन में ज़रूर रह जाएगा, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अमेजिंग है। अगला पॉइंट आता है अमेजिंग किल्स। इस मूवी के अंदर ढेर सारे किल्स हैं और वो किल्स बहुत ही अच्छे किल्स हैं, गुड क्वालिटी किल्स हैं, क्रिएटिव किल्स हैं, जो कि देखने में मज़ा ही आ जाता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि मुझे इस मूवी की नहीं पसंद है। उसमें सबसे पहले आती है न्यूडिटी। अब ये एक पर्सनल चॉइस है हर किसी की, कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती लेकिन दिक्कत भी नहीं होती। तो अगर आपको न्यूडिटी से कोई दिक्कत नहीं है या आपको न्यूडिटी पसंद है तो आप देख सकते हैं, नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है गोर। इसका खून खराबा, इसकी मारकाट। कुछ लोग होते हैं जिनको खून खराबा और ये सब कुछ पसंद नहीं होता, अगर आप उनमें से हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है या आपको पसंद है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो कि इसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बनाती है वो है इस मूवी की लैंग्वेज। ये मूवी 1978 में बनी थी और ऑब्वियसली ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में बनी थी। अगर आप उन व्यूअर्स में से हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के कंटेंट को नहीं देखते हैं और हिंदी डब को प्रेफर करते हैं, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी कि एक्चुअली इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये कभी हिंदी में डब हुई नहीं अभी तक। तो इसीलिए हिंदी में मिलना तो इसका बिल्कुल ना के बराबर ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप एक इंग्लिश व्यूअर हैं और आप अच्छे से इंग्लिश में कंटेंट देख लेते हैं तो आपको इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो बात करें कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मूवी है, ये बहुत ही डिफरेंट है और हर किसी को एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये मूवी उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें न्यूडिटी और गोर से दिक्कत है या फिर जो हिंदी में ही कंटेंट को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप हॉरर के फ़ैन हैं, थ्रिलर के फ़ैन हैं, स्लैशर के फ़ैन हैं तो आपको इस मूवी को ज़रूर एक ट्राई देना चाहिए, या फिर अगर आप ग्रेट सिनेमा के फ़ैन हैं तो आपको ये मूवी डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि ये कल्ट क्लासिक मूवी है और बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सिर्फ उसी कारण से ही ये मूवी देखने लायक बन जाती है।
तो बस यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट और टिकटॉक पर, और सब्सक्राइब करके बन जाओ हमारी ऑनलाइन फैमिली ऑफ सिनेफाइल्स का हिस्सा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपने मूवी देख रखी है या मूवी देखने का सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मूवी देखने के बाद मूवी कैसी लगी उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं मूवीज़ के बारे में, टीवी शोज़ के बारे में, फैन थियोरीज़ के बारे में और भी ढेर सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ों के बारे में। और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है जो कि मूवी से रिलेटेड है, तो आप मुझे कभी भी किसी भी वीडियो पर मेरी कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, being_cinephile। तो बस यही थी वीडियो, टाटा बाय बाय।